कि आखिरकार अमेठी की लड़ाई किसकी होगी। आपने ये भी पूछा कि रायबरेली में कौन आ रहा है, कि प्रियंका वाड्रा पहले दिन से पॉलिटिक्स में आना चाह रही थी, लेकिन सोनिया गांधी का यह था कि प्रियंका के आने के बाद राहुल गांधी का क्या होगा। तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स में शीर्ष पर रहे, इसलिए प्रियंका वाड्रा को हमेशा नहीं लाया गया उस रूप में। और ये एक तथ्य है, ये कोई मैं आपको अनुमान के आधार पर नहीं बता रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को इसका पता था। अगर राहुल गांधी को वाकई अमेठी से चुनाव लड़ना होता, लगाव होता, बहुत सीरियस होते, तो इन 5 सालों में कभी अमेठी भी जाते, वहाँ के लोगों का हालचाल पूछते, उनसे कनेक्ट करते। कांग्रेस आज की तारीख में डिफैक्टो डिजूरे, भले आप कह लीजिए कि खड़गे जी हों, लेकिन ईमानदारी से देश की जनता कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक अगर कांग्रेस का नाम लेंगे तो वो लोग मानेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये फैक्ट है। अमेठी से राहुल जी एक तरह से अमेठी को डिसोन कर चुके हैं, वो एकदम से कुछ ऐसे समीकरण बन गए कि उनको दोबारा से अमेठी प्रेम जाग उठा है। अदरवाइज अमेठी से जो अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि गांधी परिवार की इतनी चर्चा हो रही है, जिसको कि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो फेल हो गए हैं, राइट ऑफ हो गए हैं, उनको रहना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। तो वरुण ने मेंटेन किया है कि कहीं ना कहीं इतना होने के बावजूद बहन और वो रिश्ते की बात आ गई कि उनके खिलाफ लड़ने में मुझे परेशानी है। अगर प्रियंका रायबरेली से लड़ती है तो वरुण गांधी उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मान लीजिए। वरुण गांधी से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बात की है। अगर अमेठी और रायबरेली दोनों से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ते हैं तो ये न केवल गांधी परिवार के लिए, समूची कांग्रेस के लिए शुभ संकेतों का, हार जीत एक अलग मसला है।